सो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको करने के लिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूँगा। तो अगर अपन कॉस एक्स को यू पुट कर दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड इसकी जगह डी यू। और अपन को पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू यू है, तो अपन को ये भी पता है कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी वन माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अपन पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि 0 to π में जो साइन होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ले लिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी यू एंड साइन एक्स की जगह मैं अंडर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और अपना जो इंटीग्रल है वो अगर अपन देखें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, एंड ये टेन इनवर्स ऑफ 2021 एंड कॉस एक्स की जगह यू एंड डी एक्स की जगह माइनस डी यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - u² इस तरीके से आ गया। इस माइनस साइन का यूज कर सकते हैं अपन इस लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए, तो ये -1 to 1 हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेज टू पावर यू एंड ये डी यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - u² इस तरीके से आ गया। अब इसको अपन दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो -1 to 0 टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेज टू पावर यू एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - u² डी यू, एंड प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेज टू पावर यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - u² डी यू। तो इस तरीके से अपन ने इसको स्प्लिट कर लिया। अब इस वाले इंटीग्रल में अगर मैं एक सब्सटीट्यूशन करूं, और वो सब्सटीट्यूशन क्या है, सिंपली यू की जगह अगर मैं -t पुट कर दूं तो डी यू इज इक्वल टू -dt आ जाएगा, और जो मेरी लिमिट है वो यहाँ पर 1 to 0 हो जाएगी, और ये टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेज टू पावर टी एंड वही डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 - t² आ जाएगा, यहाँ -dt आ जाएगा। अगेन इस माइनस साइन का यूज मैं इस लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए कर सकता हूँ, तो इस माइनस साइन का यूज करके इस लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये 0 to 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो अपने पास इस तरीके से आ गया फाइनल, यहाँ पर यू की जगह -t था तो यहाँ पे -2021 रेस्ट पावर -t आ गई, तो ये 0 to 1 टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेस्ट पावर -t डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 - t² dt प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेस्ट टू पावर यू था। तो यहाँ पर यू एक डमी वेरिएबल है, तो उसको भी मैं यहाँ पे टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल में अगर मैं यू की जगह टी पुट कर दूं तो वो सेम ही आ जाएगा ये वाला इंटीग्रल, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डमी वेरिएबल है। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ लिमिट सेम है, और तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है एंड ऊपर यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 2021 रेज टू पावर टी है, एंड यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ 1 / 2021 रेज टू पावर टी है एंड यहाँ डी टी है, और टी अपना 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा है। तो और तुम्हें पता है कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x इसकी वैल्यू यहाँ पर ये π/2 हो जाएगी सिंपली। ये किस लिए, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता होगी कि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पर π/2 होता है, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जो टेन इनवर्स ऑफ 1/x होता है वो यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है और एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये दो चीजों से यहाँ पर तुम देखोगे तो टेन इनवर्स 1/x को यहाँ पर तुम कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो, और फिर इससे यहाँ पर ही π/2 के इक्वल हो जाएगा, और ऑब्वियसली इस केस में अपना एक्स ग्रेटर देन 0 है, या फिर टी बोल दो। तो ये बेसिकली यहाँ पर π/2 के इक्वल हो गया, एंड ये 1 / √1 - t² dt, सो π/2 को तो बाहर निकाल लेंगे। ये तुम्हें पता है कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर अपन देखे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा बेसिकली, तो ये अपना साइन इनवर्स टी हो गया एंड लिमिट 0 to 1 है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है कि π/2 होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनल आंसर अपना π² / 4 आ जाएगा। तो वो तुम्हें यार अच्छा लगा होगा।
लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है यहाँ पर अपन नेक्स्ट वीडियो में।